रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया और वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आधी अधूरी नॉलेज कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है ना। वो बहुत परेशान थी कि उनके पीरियड्स आते हैं और वो पैड यूज़ करती हैं और पैड यूज़ करने से कैंसर भी हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकते हैं, डेथ तक हो सकती है, तो वो क्या यूज़ करें, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। गाइस आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। आज हम बात करने वाले हैं विमेन हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है, क्यों होता है, रीजंस इसके क्या होते हैं और क्या वाकई में पैड यूज़ करने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं और हाँ, वीडियो पसंद आ जाती है, इन्फॉर्मेटिव इस तरीके की वीडियो को ना प्लीज़ अपने सारे सगे संबंधियों स्पेशली गर्ल्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि #letspreadawareness जागरूकता अगर हम और आप नहीं फैलाएंगे तो हमारी बच्चियों को इन सब चीजों के बारे में पता कैसे चलेगा, उन तक ये बात जरूर पहुंचाए। Let's get started. Puberty की एज हिट करने के बाद आपको होता है पीरियड। पीरियड जब होता है तो उससे बचने के लिए कुछ लड़कियां कपड़ा यूज करती हैं। गांव में मैंने सुना है कि कुछ लोग घास वगैरह भी यूज करते हैं। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, बट वो यूज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पैड यूज करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन और पैड क्लोथ्स यूज किए जाते हैं जो कि रीयूजेबल होता है, वो मार्केट में मिलता है। और गांव में जो यूज करते हैं वो चादर को फाड़ करके पैड बनाते हैं और वो यूज करते हैं। चादर को फाड़ करके पैड बनाओगे तो वो हाइजीनिक नहीं लगता है मुझे। स्टिल अगर आपके पास पैड लेने की क्षमता नहीं है तो मेक श्योर उसको अच्छे से धोएं, धूप में सुखाएं, सैनिटाइज करें और फिर यूज़ करें। और अगर आप रेडीमेड मार्केट से पैड क्लोथ खरीदते हो तो उसको भी अच्छे से धूप में सुखाएं और हाइजीन मेंटेन करके रखें। इन दोनों को ही यूज़ करने से आपको कैंसर नहीं होगा या फिर आपको शॉक सिंड्रोम नहीं लगेगा। अब बारी आती है मेंस्ट्रुअल कप की। मेंस्ट्रुअल कप के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक जरूर कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा क्या होता है और इसको पीरियड्स में यूज करते हैं। बेसिकली एक कप होता है, सारा ब्लड आपका उसके अंदर कलेक्ट होता है। सबसे ज्यादा सेफेस्ट होता है मेंस्ट्रुअल कप यूज करना अगर आप सही तरीके से यूज करें। ये यूज करना देखने में फर्स्ट टाइम खतरनाक डेंजरस होता है, लगता है, बट एक बार आदत आपको पड़ जाती है तो जिंदगी में सबसे आसान, आपकी जिंदगी को आजादी दिला देगी पीरियड से। आप भूल जाओगे आपके पीरियड्स आ गए हैं, ऐसा सा फील कराता है। तीसरा बात करते हैं टैम्पॉन की, नहीं उससे पहले पैड की बात करते हैं। जो मार्केट में पैड आते हैं, कई तरीके की वैरायटीज होती हैं। जो नॉर्मल कॉटन के पैड्स होते हैं वो आप यूज कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको 3 से 4 घंटे बाद चेंज करते जाएं, डिपेंड करता है आपका फ्लो कितना हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा देर तक आपने पैड पहना, उसके ऊपर ब्लड आया, ब्लड हवा में कॉन्टैक्ट में आया, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन बढ़ेगा और आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अल्ट्रा थिन और जेल्स वाले पैड्स आजकल आते हैं जो आपके पीरियड्स का ब्लड उसके अंदर जाते ही सोक लेता है, सारा लिक्विड को जेल में कन्वर्ट कर देता है। अब क्योंकि उसके अंदर जेल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें मिक्स की होती हैं जो कि नेचुरल नहीं होती है, वो 100% कॉटन का नहीं होता है, तो वो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वो यूज़ करते हो पैड, एक पैड को आपने 8 घंटे 10-15 घंटे यूज़ कर लिया, आई डोंट नो कि ऐसा कोई यूज़ करता है या नहीं, पर अगर आप करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि उसकी वजह से कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में देखा गया है कि लड़कियों को यूट्रस कैंसर हो गया है। ठीक है, सबको नहीं होता है, बहुत कम, बहुत 0.1 केसेस में ऐसा देखा गया है। बाकी केसेस में आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रॉब्लम तो हो ही जाती है अगर आप इतनी ज़्यादा देर के लिए पैड को यूज़ करोगे जो कि अल्ट्रा थिन वाले होते हैं। अब बात करते हैं कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कैसे होता है और उसकी वजह से डेथ कैसे हो जाती है। क्या ये लड़कियों को होता है, क्या ये पीरियड्स में होता है, मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये लड़के लड़कियों दोनों को होता है, लेकिन जो 50% केसेस है ना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के, वो लड़कियों में ज़्यादा पाए गए हैं, और वो लड़कियां जो टैम्पॉन यूज़ करती हैं। तो टैम्पॉन यूज़ करने से हो सकता है, लेकिन टैम्पॉन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ मैंने आपको बताया है कि मैंने भी टैम्पॉन यूज़ किया है और आप यूज़ कर सकते हो। फॉरेन में बहुत सारे लोग टैम्पॉन यूज़ करते हैं लड़कियाँ, तो फिर ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कैसे दे सकता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टैम्पॉन से होता है ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि आपको अच्छी क्वालिटी का यूज करना चाहिए। घटिया लोकल क्वालिटी का यूज करोगे तो चांसेस हैं होने के, बट अच्छी क्वालिटी का यूज करोगे तो नहीं है चांसेस, और प्रॉपरली यूज करना है। किसी भी चीज को कायदे अनुसार, तरीके अनुसार अगर आप यूज नहीं करते हो तो ऑफकोर्स उसके बुरे प्रभाव देखने को पड़ते हैं।
तो टेम्पॉन आपको यूज कैसे करना होता है, बस उसको इंसर्ट, उसके लिए भी अलग वीडियो बनाई है, मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। जैसे कि आपका वजाइनल ओपनिंग है, फिंगर डाल करके आप वजाइनल का एरिया आप देखेंगे कहाँ पे है। जब आपको लगे कि आपका वजाइनल ओपनिंग है तो वहाँ आप अपना टेम्पॉन ऐसे इंसर्ट करेंगे, एक स्ट्रिंग लटकती हुई नजर आएगी, उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है और आराम से टेम्पॉन आपका अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये आपका टेम्पॉन थोड़ा वजाइनल लिप के ऊपर होता है, वजाइनल लिप के नीचे या उसके आसपास नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब आप वॉक करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। उसको आपको अपने वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है पुश करके, और 4 से 5 घंटे तक उसको अंदर रहने दीजिए और उसके बाद चेंज कर लीजिए जब वो सारा पीरियड का ब्लड सोक कर लेता है। कुछ लड़कियां भूल जाती हैं टैम्पॉन को बाहर निकालना और अंदर उनके पड़ा रहता है टैम्पॉन 8, 10, 12, 24 घंटे के लिए, और ऐसे में टैम्पॉन के रेशे पिघल जाते हैं, आपकी वजाइना में फंस जाते हैं, या टैम्पॉन से काफ़ी देर तक टैम्पॉन और ब्लड एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, तो इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस हो जाते हैं और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में डेथ हो जाती है। ये सच है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैम्पॉन यूज़ करना बंद कर दो, इसका मतलब ये है कि टैम्पॉन को सही तरीके से सही क्वालिटी का यूज़ करो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो रहा है। आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उल्टी आना, जी मचलाना, घबराहट होना, चक्कर आना, हाई फीवर, ब्लड रैशेस और हेडेक होना, ये सारे सिम्टम्स हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के। ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा लो कर देता है और किसी किसी केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो गाइज, ये थी TSS यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की कहानी। आप टैम्पॉन अगर यूज़ करते हैं तो करिए, ये फ्रीडम दिलाता है पीरियड से, लेकिन सही तरीके से सही क्वालिटी का आप यूज़ करेंगे और रात को यूज़ ना करें, क्योंकि रात को हम सो जाते हैं और फिर चेंज आपको करना होता है 4 घंटे बाद, तो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, आप टैम्पॉन पहन के स्विमिंग करने जा सकते हैं, मानसून सीज़न है तो आप टैम्पॉन पहन के बाहर जा सकते हैं, आपका टैम्पॉन गीला नहीं होगा, पैड से आपको रैशेज़ पड़ते हैं, टैम्पॉन से आपको रैशेज़ नहीं पड़ता है, और एकदम कुछ आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पैंटी के अंदर कोई लेयरिंग है किसी कपड़े की या कुछ भी, आप अनकम्फर्टेबल फील नहीं करते। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं टैम्पॉन के, इसीलिए लड़कियाँ पहनती हैं, लेकिन थोड़ा आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए, ठीक है, हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखिए। अब मैं आपको कुछ ऑफर्स के बारे में बता देती हूँ जिसके ऊपर अच्छी डील्स चल रही हैं, और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप वहाँ क्लिक करके अपने लिए चेक कर। आज तक कुछ मैं डिफरेंट करके दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली इंस्टाग्राम देख रही थी मैं बैठ करके, और वहाँ बैक टू बैक स्किन केयर की वीडियोज आ रही थी, और वैसा सा ही कुछ मेरा मन कर रहा था करने का, तो वैसा ही कुछ लग्जरी स्किन केयर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारा मेकअप थोप रखा है, उसको भी धीरे धीरे हटाते हैं। सबसे पहले आईलैशेस हटा दिए हैं, अब फेसेस का मेकअप रिमूवर ले लिया है जो कि स्प्रे बॉटल में आता है, स्प्रे करूंगी इसको मैं अपने चेहरे पे और 30 सेकंड के लिए वेट करूंगी ताकि ये जो मेकअप रिमूवर है ना, ये मेरे मेकअप को ब्रेक डाउन कर दे, मेल्ट कर दे। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेट वाइप ले लिया है और इसके ऊपर भी मेकअप मैंने मेकअप रिमूवर स्प्रे कर दिया है, और ये देखिए एक दो स्वाइप में ही ये पूरा का पूरा मेकअप निकाल देता है। मेकअप करने से स्किन खराब नहीं होती है दोस्तों, लेकिन मेकअप अपनी स्किन से ना निकालने से आपकी स्किन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो अब मैं अच्छी तरीके से अपने फेस और अपने नेक से मेकअप रिमूव कर लूंगी। ये देखिए 1, 2, 3 वेट वाइप्स यूज़ किए हैं मेकअप निकालने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे फेस से मेकअप अभी निकला नहीं है, इसीलिए मैं ये कुछ फैंसी सा मेकअप रिमूवर ब्रश ले रही हूँ। एक्चुअली ये फेस क्लेंजर ब्रश है, इसके अंदर बैटरी डालते हो तो ये गर गर साउंड करता है, और मैंने ये गुड वाइप्स का टी ट्री फोमिंग फेस वॉश ले लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो। और अब मैं लेने जा रही हूँ अपना ये क्लिनजिंग ब्रश, मैंने बटन दबा दिया है, लाइट ऑन हो जाती है और ये सर्कुलर मोशन में आप अपने फेस, नोज, लिप्स हर जगह स्क्रब कर दोगे। हफ्ते में 1 से 2 बार कर लिया करो, मेकअप डर्ट ग्राइम सब निकाल देता है, फिजिकली स्क्रब करता है, तो आपको DIY स्क्रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाला स्टेप करते हो तो। इंस्टाग्राम पे तो ये बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैंने ये वाला स्टेप किया और अब फेस वॉश कर लिया है, अब फेस को हाइड्रेशन की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे टोनर वाला पार्ट स्किप करके सीधा सीरम लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा सीरम है ये, आप देखो स्किन पे लगाते ही आपको ग्लो नज़र आता है, एकदम से हाइड्रेट और नरिश कर देता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन डिस्काउंट आपको अच्छा मिल जाएगा। दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, वीडियो के टाइटल पे क्लिक करो, लिंक खुल जाता है, वहाँ क्लिक करके अपने लिए चेक कर देना। अब मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा दिया है प्लम का,
बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर दिया है इसने मेरी स्किन को. मेरी स्किन देखो कितनी शाइनी ग्लोवी ड्यूवी सी लग रही है. नो मेकअप मतलब है ही नहीं, आपके सामने मेकअप उतार दिया है. स्किन बहुत प्यारी लग रही है मुझे. और यहाँ पे अब मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया है जो कि एज अ लिप बाम वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा नारिश करता है मेरे लिप्स को. आई एम डन नाउ. पीरियड्स, टैम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप, पैड, वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड और भी कोई आपके मन में सवाल हो, कोई प्रोडक्ट रिव्यू देखना चाहते हो, स्किन केयर, हेयर केयर, मोटिवेशनल वीडियो या कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हो, आपके मन में कोई सा भी जरा सा भी डाउट है भी नेचुरल पे, आपको सारे सवाल के जवाब ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, दे भी दूंगी फिर भी है, तो कमेंट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में. तब तक के लिए मेरे व्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ फन, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग व्लॉग्स लेकर के आती हूँ. मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए